नमस्कार दोस्तों, मैं सियाराम कुमार, भारतीय आर्ट चैनल में एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मूर्ति फिनिशिंग के बारे में बताने जा रहा हूं दोस्तों, कि जो मूर्ति क्रैक हो जाता है उस मूर्ति को अच्छे तरह से बहुत आसानी से फिनिशिंग कैसे करें। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों कि मूर्ति की फिनिशिंग किस तरह से की जाती है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले फिनिशिंग के लिए क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है दोस्तों। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले खेत का जो मिट्टी होता है उस मिट्टी को फुलाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, इसको सूती के कपड़ा से मैं छान लिया हूँ, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये छाना हुआ मिट्टी है। इसके बाद जो ज़रूरत पड़ेगा हमको, चलिए दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, कुछ बच्चे लोग भी खेल रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये नदी का रेत है जो बहुत बहुत बारीकी रेत है दोस्तों। ये देखिए, बहुत बारीकी, तो समझिए ये मिट्टी ही है नदी का, बहुत महीन है दोस्तों। ये देखिए, तो इस मिट्टी को पहले आप गीला था इसलिए मैं इसे धूप में सूखने के लिए दिया हूँ दोस्तों। जैसे ही सूख जाएगा उसके बाद इस मिट्टी को मैं मैदा चालने वाला, जो चलनी होता है दोस्तों, बहुत सारे लोग उसे छन्नी भी बोलते हैं, उससे इसको पहले छान लेना है। छानने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए, जो घास भूसा होगा वह बाहर निकल जाएगा और कंकड़ वगैरह। इसके बाद जो आपको ज़रूरत पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, यह श्रेष्ठ कागज़ है। दो तरह का श्रेष्ठ कागज़ हमारे पास है, एक महीन वाला और एक मोटा वाला, जिसका जहाँ पर यूज होता है वहाँ पर मैं करता हूँ। जिससे फेस के लिए ये पतला वाला यूज करते हैं और बाकी जगहों के लिए ये मोटा वाला। तो आपको सबसे पहले मूर्ति को फ्रेश से खरर देना है दोस्तों। उसके बाद खररने के बाद नदी का जो सैंड था वो और छाना हुआ मिट्टी दोनों मिक्स करके पूरे मूर्ति पर अप्लाई करेंगे दोस्तों। तो चलिए दिखाते हैं किस तरह से किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारे हेल्प के लिए मेरा भाई है। यहाँ पर देख सकते हैं श्रेष्ठ कागज़ से मूर्ति को फ्रेश से सफाई कर रहा है श्रेष्ठ कागज़ की मदद से। श्रेष्ठ कागज़ से रगड़ने के बाद दोस्तों मिट्टी किस तरह से बनाते हैं, चलिए ये भी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, हम अब मिट्टी बनाने के लिए सबसे पहले बाल्टी में जो छाना हुआ मिट्टी है इसको पहले बाल्टी में लिए हैं, और अब हम इसमें जो रिवर सैंड है बहुत बारीकी वाला वो डालने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, चालीस परसेंट सैंड इसमें डालना है और 60% मिट्टी। इसके बाद इसे मिलाना है, अच्छा अच्छी तरह से मिला लेना।
तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो मिट्टी है बनकर रेडी हो चुका है। और अब इस मिट्टी को हम इस पर हाथ से अच्छे तरह से अप्लाई करेंगे दोस्तों। देख सकते हैं इसके बाद ब्रश के सहारे से इसे हम चिकनाएंगे। तो चलिए दिखाते हैं फिनिश होने के बाद, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से अप्लाई करेंगे सभी जगह पे, जहाँ भी दरार हो। तो आप पूरा अप्लाई करने के बाद आपका मूर्ति इस तरह का दिखेगा, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। ये मूर्ति को मैंने पहले से अप्लाई कर रखा हूँ ताकि हमारा वीडियो लंबा ना हो। रात है दोस्तों, इसलिए आप लोगों को सही से वीडियो नहीं आ रहा होगा, क्योंकि अभी समय हो रहा है दोस्तों 12:23। रात का मौसम है दोस्तों, तो पूरा फिनिशिंग हो जाएगा। इसे आप अप्लाई कीजिए अपने पूरे मूर्ति पे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा यह वीडियो हमारा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके दोस्तों सबसे पहले आप तक। तो दोस्तों, मैं अगले जो वीडियो आने वाला है दोस्तों, उस वीडियो में मैं आप लोगों को फेस का डाई बनाना सिखाएंगे दोस्तों। वो भी बिना पीओपी का दोस्तों, और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। ये देखिए दोस्तों, हमारा घर रोड पे है दोस्तों। यह रोड आपको पटना ले जाती है दोस्तों, पटना मुंगेर भागलपुर लखीसराय मुजफ्फरपुर, यही रोड चले जाते हैं सभी जगह। ये दोस्तों रात का मौसम है बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं रात का 12:30 बज रहा है दोस्तों। आप लोगों के लिए दोस्तों मैं रात में वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों अगर अच्छा लगता हो हमारा वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें दोस्तों, ताकि हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों पहुंच सके सबसे पहले दोस्तों आप तक। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।